हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनियास फूड पैलेस। आज हम बनाएंगे कटहल के बीजों से पकोड़े। तो आइए देखते हैं इस स्वादिष्ट पकोड़ा बनाने का आसान तरीका। सबसे पहले हम इन बीजों के छिलके को निकालेंगे। चाकू या फिर नाखूनों की मदद से इन छिलकों को आसानी से निकाला जा सकता है। निकालने के बाद हम इन्हें थोड़ा सा क्रश करेंगे और फिर एक कुकर में इसे डालेंगे और इसमें हम अब डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर हम कुकर में डालेंगे आधा ग्लास पानी। कुकर के लिड को बंद कीजिए और 3 से 4 सीटी आने तक इसे पकाइए। तो अभी आप देख सकते हो ये अच्छे से पक गए हैं। अभी हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। तो अभी हमने बीजों को दरदरा पीस के पेस्ट बना लिया है। अभी हम एक बॉल में डालेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज और एक हरी मिर्च और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया के पत्ते। अभी हम इसमें डालेंगे पीस के रखे हुए बीज का पेस्ट और फिर इसमें डालिए 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच चिल्ली पाउडर और 1/2 चम्मच हींग और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और स्वाद के लिए नमक। अभी इसमें डालिए 1 कप बेसन का पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। दोस्तों, इन कटहल के बीजों के पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप ही ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर ये बैटर पतला हुआ हो तो इसमें आप थोड़ा सा और बेसन का पाउडर मिला के इसे थोड़ा सा गाढ़ा कीजिए। अभी इस बैटर को तैयार करने के बाद हम गैस पे एक पैन रखेंगे। पैन में हम तेल डालेंगे और तेल गर्म होने के बाद हम गैस को मीडियम आंच पे रखेंगे और इन बैटर का छोटा छोटा सा गोला बना के हम तेल में इसे डिप करके डीप फ्राई करेंगे। और दोस्तों, कटहल के बीजों का पाउडर कब्ज़ और अन्य पाचन समस्याओं का इलाज करने में मदद कर सकता है। इस तरह से बीजों के पकोड़े बनाने के अलावा इन बीजों को हम बॉईल करके या फिर चूल्हे में फ्राई करके भी खा सकते हैं। इनका टेस्ट और भी बहुत बढ़िया होते हैं। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद इन्हें गर्मा गर्म सर्व कीजिए और चाय के साथ इनका मजा लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।